धरती से सोना उगाने वाला होता है किसान। देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि ही है। यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम करता है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ महिलाओं की भी कृषि में अहम भागीदारी होती है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का तरीका पारंपरिक ही रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अनाज उगाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये फसलें मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाती। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को सार्थक करते हुए उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ रहा है मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्ष 2007 से सकारात्मक कार्य कर रहे तेजस्विनी कार्यक्रम ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, जिसका बेहतर उदाहरण है महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाकर उनके द्वारा उद्यानिकी में उन्नत कृषि उत्पादन। तेजस्विनी कार्यक्रम के सहयोग से इन महिला समूहों द्वारा विभिन्न तरह की फसलों, फूलों, फलों और सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है। इतना ही नहीं, फसलों का उत्पादन कैसे हो, बेहतर पैदावार कैसे मिले, उगाई हुई सब्जियों, फलों और फूलों को बेचा कहां जाए और इन फसलों से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए, इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए महिला समूहों को तेजस्विनी द्वारा हर तरह के साधन उपलब्ध कराने में सहायता की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब अपनी मेहनत से मुनाफा कमाते हुए अपने परिवार के विकास में भागीदारी निभा रही हैं। बच्चों की शिक्षा, परवरिश एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रही हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में सम्मान प्राप्त कर पा रही हैं। तेजस्विनी में जुड़न लगे सो हमें मानो ज्ञान आ गया। गोभी भी लगा दो, टमाटर भी लगा दो, मिर्चा भी लगा दो तो अपन है उससे मानो डबल फायदा हो जाती है। अब बाजार से नहीं ले आते हैं, अब तो अपने अनाज में से टूए के बच्चे में खुआते हैं। खर्चा पानी पहले नहीं चला तो अब चलता है खर्चा पानी। अपने बच्चा भी पढ़ाई तो खूब अच्छी तरह से अपने काम करने लगे, सब जन हंसी खुशी से रहने लगे घरे। तेजस्विनी द्वारा आजीविका के लिए छतरपुर जिले के गौरारी ग्राम में मिर्च टमाटर सब्जी उत्पादन के लिए समूह की महिलाओं को प्रेरित किया गया था। जो पैसा दिया गया है सब्जी उत्पादन के लिए और टमाटर उत्पादन के लिए। महिलाओं ने पूरी लगन और मेहनत से सब्जी उत्पादन करते हुए सफलता हासिल की और आज तेजस्विनी की ये पहल यहाँ इतनी सफल हो चुकी है कि पूरे के पूरे गांव को ही तेजस्विनी सब्जी ग्राम के नाम से जाना जाने लगा है। सब्जी में तो मानो ऐसी फायदा है कि पहले तो नाज बो तो साल भर में एक बार निकल लगते, तो एक बार नाज निकाल लो, फिर एक बार साल भर में मैंने दो फसलें मिलती, एक मिलती उड़दा मूंग की
और एक फसल मिलती गेहूँ की साल भर में जो दो फसलें मिलती, अब इमें है तो हमें चार गुना फायदा मिलत। खाने पीने में माने अच्छी जो चीज खिलाते हैं लेते हैं, पहले जैसे पैसा नहीं रहता तो लेते नहीं थे, आप चाजू कछु भी ले सकते हैं, चाजू कछु पहना भी सकते हैं। सफलता के इस उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए आज आसपास की दूसरी महिलाएं भी मिर्च टमाटर की खेती को अपनी आजीविका बना रही हैं एवं कामयाब हो रही हैं। गौरारी की ही तरह छतरपुर जिले का एक और गांव है लहेरा पुरवा, जहां की तेजस्विनी महिला किसान है पार्वती कुशवाहा। पार्वती कुशवाहा को जब कार्यक्रम तेजस्विनी का साथ मिला तो इस महिला ने आम खेती को छोड़कर अपनी जमीन पर वैज्ञानिक पद्धति से फूलों की खेती शुरू की। अब जब से हम समूह में जुड़ गए, जब इसे हमें पता चला है कि फूलों की खेती लगाओ, कबार लगाओ, कछु करो तब कछु होता है, तो हमने खेती करी, फूल लगाए, गोड़े नींदे, फिर तोड़े, फिर बेचे। तेजस्विनी द्वारा मिले मार्गदर्शन और पार्वती द्वारा की गई मेहनत से कुछ ही समय में परिवार की आय कई गुना तक बढ़ गई। आज पार्वती के चेहरे पर खिली ये मुस्कुराहट उनके जीवन में आए सफल बदलावों की गवाही दे रही है। हमने मकान बनाया, बकरी खरीदी, बच्चों की पढ़ाई की, इसी से सारा घर का खर्चा चलता है हमारा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक और तेजस्विनी है सरी बाई। एक समय तक आम ग्रामीण महिला की तरह खेती किसानी में अपने परिवार का साथ देकर गुजर बसर करने वाली सरी बाई को तेजस्विनी द्वारा आजीविका के नए विकल्प के रूप में अनार की खेती के लिए प्रेरित किया गया था, जिसे सरी बाई ने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनाते हुए खेती प्रारंभ कर दी। जे तेरा किसानी कहती माने मटाया चना गूंग चना की कहती, उन्हें कम ही लाभ हती। और जब से जे कहे के जे लगाओ अनार के पौधा लगाओ सो बे भी लगाए। अनार की खेती 3 साल में लाभ देना शुरू करती है, इसलिए अनार की फसल के साथ ही सरीबाई ने मिर्च, आलू और हल्दी जैसी फसलों को भी खेत के बीच बीच में उगाना शुरू किया। साथ ही सिंचाई भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से की, जिससे हर वर्ष उन्हें गुजर बसर के लिए पर्याप्त आय होती रही। और जैसे ही अनार की फसल से फल आने शुरू हुए, देखते ही देखते उनकी आय कई गुना तक बढ़ गई। अनार बेचते हैं, जैसे हमने पहला 10-10 रुपया कहते हैं, अब 20 रुपया, 40 रुपया कहने लगी। और जब से अनार लगाए है, अनार में लाभ लाई। आज घर में अनार होने से सरी बाई के पोते पोतियों को पोषण लाभ भी मिल रहा है। अब बाजार नहीं जाने पड़ा थे ले भी खा, अब अपने घर लगाए हैं कि घर से टूटते हैं खाते हैं। इसी तरह पन्ना जिले के ग्राम सोतीपुरा की निवासी हैं सविता कुशवाहा। तेजस्विनी टीम की सलाह से सविता ने कुछ समय पहले उन्नत तरीके से सब्जियां उगाना शुरू की थी। गोभी लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, मूली लगाते हैं, पालक लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, भटा लगाते हैं। वह सब्जी बेच करके अमानगंज में सिमरिया बेच करके, और वैसे फिर भी पैसा 2000 डब्बा में रख दो। सब्जियां उगाकर आज सविता की भी पारिवारिक आय बढ़ चुकी है और समाज में सम्मान भी मिला है। जब तोड़ते हैं टमाटर तो वे किले भर खा लेते हैं, अब 4-6 बच्चे जुड़ते हैं तो किले भर टमाटर वैसे ही खा जाते हैं। तेजस्विनी से जुड़कर महिलाओं ने न सिर्फ कृषि की ओर रुख किया, बल्कि उद्यानिकी को कृषि के रूप में अपनाकर खेती को लाभ का धंधा भी बनाया है। आज हमारी महिला इतनी मजबूर हो गई कि कोई पुरुष का हमें आगे लेने की जरूरत नहीं है। आज मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों की ये तेजस्विनी महिलाएं अपनी कोशिशों और हुनर से दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और अपनी मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक सुखद एवं सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रही हैं।